लोग इकट्ठे होते हैं तो संविधान वहां से चलता है। संविधान कहता है मुझे अगर मुझसे कुछ चाहिए, अगर मुझे अपने फेवर में करना चाहते हो, मैं तुम्हारे हक की बात करूं तो 51% लोगों को इकट्ठा करके लाओ। और ये जितने नेता हैं क्या कहते हैं, बहुजन, दलित, शोषित, ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़े, अगड़े, 85%, कोई कहता 90%, कोई कहता 95%, कोई कहता 97%, हैं कहाँ? 29 लाख तुम्हारे टुकड़े हुए पड़े हैं। अगर तुम 85, 90, 93, 97, 95 होते तो तुम्हारे अधिकार जाते या आते? पर इन संगठनों को पूछने वाला कोई है नहीं और पूछ भी नहीं सकता। क्यों नहीं पूछ सकता भाई? आपसे पूछ के थोड़ी बनाया संगठन। किसी आदमी ने कोई संगठन बनाया है तो उसने अपने लिए बनाया है, अपने आप बनाया है, अपने आप से पूछ के बनाया है, कोई समाज से पूछा? अगर मान लो समाज से पूछा होता और कोई आदमी ये कहता कि मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता हूँ, तो समाज कहता भाई क्या करेगा राजनीतिक पार्टी का? कह रहे मैं पार्लियामेंट में जाऊँगा, लोगों का भला करूँगा। तो कह रहा ठीक है बना ले। तो वो समाज से पूछ के राजनीतिक पार्टी बनाता। फिर दूसरा आदमी आता, वो कहता जी मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता हूँ, समाज से पूछता। तो समाज उससे पूछता है भाई पहली राजनीतिक पार्टी चल रही है उसमें क्या दिक्कत आई जो तू दूसरी बना रहा है? तो पहली वाली से पूछता कि भाई पहली वाली में क्या दिक्कत है, दोनों को बैठाता और दोनों से कहता है कि पार्टी एक ही रहेगी, तुम दोनों ये देखो कि गड़बड़ कहाँ है। और जो ना मानता उसके कान पर तो लगाता समाज, उसको भगा देता, कहता पार्टी तो एक ही रहेगी, तुम दोनों में से जो गंदा है वो निकलो यहाँ से, जो 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 तुम दोनों में से खराब है वो जाओ। वो तीसरा भी कहता मैं पार्टी बनाऊंगा, तो उससे भी यही कहते हैं भाई पार्टी तो एक ही रहेगी, तुम तय कर लो कि तुम में अच्छा कौन है गंदा कौन है।